प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री पहुंचे राजभवन। साव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्यपाल से कहा, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। राज्यपाल महोदय ने इस विषय पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने का भरोसा दिलाया है। हमने प्रदेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है कि किस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन दो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, किस प्रकार से शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो राज्यपाल महोदय ने इस विषय पर संज्ञान लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब करने का भरोसा दिलाया है। राज्यपाल महोदय निश्चित रूप से इस विषय पर कार्रवाई करेंगे। के प्रमुख नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर राज्य में बहु बेटियों के साथ जो लगातार अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है और राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसको लेकर राज्यपाल से हमने पार्टी की चिंता व्यक्त की है। कहा है कि राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन दो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ, वह भी आदिवासी समाज के शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, सुकमा में 6 साल की बेटी के साथ अनाचार होता है, ऐसे लगातार घटनाएं हम बहु बेटियों के साथ हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है और जहां करप्शन होगा वहां क्राइम होगा। अब ये सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में नाकाम रही है, उसी को लेकर आज राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि वे सरकार को कड़ाई से निर्देश दे कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करें।